हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं। तो YouTube की न्यू गाइडलाइंस आई हैं, जो रूल्स एंड के रेगुलेशंस हैं, इससे थोड़ा सा यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हुआ है, इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, क्योंकि पहले ये प्रोसीजर बहुत ईजी था, लेकिन अब कुछ कंडीशंस हैं जिनको अगर हम सेटिस्फाई करें तभी हमारे चैनल और हमारे वीडियोज़ पे हमारे वीडियोस या हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो पाएगा। तो हम पहले इन कंडीशंस को देखेंगे, फिर हम उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिसमें हम अपने चैनल या वीडियो को अप्रूव करने के लिए यूट्यूब को बोलते हैं ताकि हमारे में मोनेटाइजेशन हो सके। आइदर हम उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, आइदर हमारा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हो सकता है, आइदर हम रिजेक्ट हो जाते हैं, या आइदर हमें मेल्स भी नहीं आते। तो हम उन सारी कंडीशंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा वीडियो ये है कि हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम की कंडीशंस क्या क्या हैं, जिससे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो पाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो उसका सबसे पहला कंडीशन है कि हमें सारे YouTube के पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस जो हैं, सारी बेसिक पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, उसे हमें फॉलो करना है, जो रिव्यू प्रोसेस के लिए, उसमें उसे भी हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारे कंटेंट को YouTube की कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारा चैनल बैन ना हो या हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो। हम सारे देखेंगे सारे कंडीशंस। तो हमारा और दूसरा कंडीशन ये है कि हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम के जितने मेंशन है कंट्री लिस्ट, उसमें हमारी कंट्री या रीजन होना चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन कंडीशन जो है YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए वो ये है कि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर्स होने चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब इसमें भी कुछ इशू है। मेरे 12 मंथ्स हो गए और मैंने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, मैं थोड़े से कंडीशन के साथ अभी भी लैग कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अप्रूव नहीं कर सकता, मैं अप्रूव कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे या 4000 पब्लिक वॉच आवर्स, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो मैं अपने चैनल को अप्रूवल प्रोसेस के लिए डाल सकता हूँ और YouTube ऑटोमेटिक आपको मैसेज दे देगा या अलर्ट दे देगा, और ये वो अपने ऑटोमेटेड टूल से अपने आप आपके चैनल को क्यू में प्रोसेस, मतलब क्यू में डाल देता है कि हाँ इसको रिव्यू करना है इस चैनल को। अब बेसिकली ये कंडीशन है। अगर आपको ये सब देखना है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल है कि नहीं, तो आपको सीधे सीधे करना क्या है, आपको साइन इन करना है YouTube पे, टॉप राइट पे आपको सेलेक्ट करना है क्रिएटर स्टूडियो, जस्ट आपको फिर लेफ्ट मेन्यू में देखना है, वहाँ चैनल के अंदर स्टेटस एंड फीचर्स होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे, तो वहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन देखना होगा, वहाँ पे इनेबल डिसेबल होगा, वो जनरली डिसेबल होगा अगर स्टार्टिंग का केस है, अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं, अगर आपने इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया है। जो कि मैं न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पुराने वाले यूट्यूबर्स का तो ऑलरेडी सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे और वो लोग पहले से रेवेन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस न्यू पॉलिसीज़ का ध्यान रखना है। अब वो भी कैसे न्यू पॉलिसीज़ का ध्यान रखना है और वो उनको भी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, ये भी मैं बताऊँगा कैसे। अगर आपका वहाँ पर मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब आप वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं। और ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर्स का कंडीशन है, ये बेसिकली है क्या, अगर आपको 12 मंथ्स के अंदर ये वाला साइकिल चलता रहता है, आपको फिर 4000 पब्लिक वॉच आवर्स का वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट आपका रिव्यू हो गया, चैनल 1 ईयर हो गया, तो वापस से रीसेट हो जाता है, फिर आपको फिर से ये वाला कंडीशन आपके, मतलब यूट्यूब फिर देखेगा कि अगर आपने जब अप्लाई किया है तो, मतलब आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स ये सब व्यूज आपको पूरा उतना ही दिखाएगा, लेकिन जो यूट्यूब के एल्गोरिदम है अंदर, जो आपने जब फिर ये रिव्यू प्रोसेस के लिए डाला, वो आपको आपका जो मोनेटाइजेशन है, जब वो 12 मंथ्स ये स्पेसिफिक पीरियड के बाद वापस डिसेबल हो जाएगा, फिर आप उसको रिव्यू प्रोसेस के लिए डालोगे, तो फिर वो वापस चेक करेगा कि प्रीवियस 12 मंथ में आपने फिर से 1000 सब्सक्राइबर, मोर देन 1000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं कि नहीं, एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर्स है कि नहीं। अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर आपके वीडियोस या चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेक्शन है कि हमारे कंडीशंस क्या क्या हैं कि हम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके। अब दूसरा चीज ये है प्रोसेस के बारे में कि ये प्रोसेस एक्चुअली हो रहा क्या है, ये कैसे रिव्यू कर रहे हैं। तो YouTube ने सेटअप किया हुआ है टीम जहां पे वो मैन्युअली
मैन्युअली हमारे वीडियोस या चैनल को रिव्यू किया जाता है उनके पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, मैंने मेल डाल, मैंने रिव्यू के लिए डाल दिया और मेरे को यूट्यूब का एक कंडीशन उसने लिखा हुआ है कि मोर देन वन मंथ, आइदर वन मंथ और मोर देन वन मंथ में आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका चैनल रिव्यू हुआ है कि नहीं। या कभी कभार ये एडिशनल रिव्यू में देखते हैं कि मतलब इसका मतलब आप बॉर्डर लाइन में हैं, बॉर्डर लाइन में आपका चैनल, आपको आपके चैनल को उनको और टाइम चाहिए देखने के लिए, या आइदर रिजेक्ट हो गया तो वो आपको मेल दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो गया है तो आप उसके बाद आप मोनेटाइज के लिए अवेलेबल नहीं है या इनेबल नहीं है। आपको वन मंथ के अंदर वापस आप अप्रूवल प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वो आपको अब मेल देगा जहां पे वो आपको सारी चीजें बताएगा कि आपका चैनल का सेक्शन कौन सा पोर्शन लैग कर रहा था, जो उनकी पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहा था। तो आपको आइदर वो सारे वीडियोस डिलीट करने होंगे या आपको सारे उनकी पॉलिसीज सेटिस्फाई करके फिर आपको 30 दिन के अंदर या वन मंथ के बाद फिर आपको अप्रूवल प्रोसेस के लिए आपका वीडियो वापस डालना होगा। तो भाई इनका पॉलिसी है क्या क्या जिसमें ये लोग डिसअलाउ कर रहे हैं यूजर्स को, ताकि उन डिसअलाउ कर रहे हैं मोनेटाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो बहुत सारे केसेस हैं जिनमें लोगों को मेल भी नहीं आ रहे हैं, तो इससे चांस बहुत कम हो जा रहा है कि आइदर आपका चैनल अप्रूव हो पाएगा कि नहीं मोनेटाइजेशन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पॉलिसीज हैं क्या क्या जिसमें आपका चैनल, आपके चैनल को जो सेटिस्फाई करना होगा ताकि आप YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। तो इन जो इनकी पॉलिसीज है, सबसे पहले आपका वीडियो कंटेंट जो है उसमें न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी वायलेशन कंटेंट नहीं होना चाहिए, नो हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट जिसमें हम किसी बच्चे या किसी कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं या किसी बच्चे को या लोगों को हम कुछ गलत करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियो बनाना, ये सब अगर यूट्यूब ने डिटेक्ट कर लिया या उनकी टीम ने डिटेक्ट कर लिया तो आपका वीडियो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका चैनल वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा अप्रूवल प्रोसेस के लिए। हेटफुल कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्राफिक कंटेंट वायलेंट कर या कुछ भी शॉकिंग सेंसेशनल और ग्रेटिट्यूस कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कि आपके वीडियो या चैनल को डिसअलाउ करे। स्पैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हरासमेंट या साइबर बुलिंग ऐसा कुछ भी आपको मैलिशियस कंटेंट या गलत डेटा इस तरीके का कुछ भी प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करना है। स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम सारे कंडीशंस देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में YouTube आपको बैन करता है। थ्रेट्स नहीं होने चाहिए, कॉपीराइट कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, चाइल्ड सेफ्टी बिल्कुल होनी चाहिए। ओके हमें कुछ भी हार्म कर रहे हैं, हम नेचर को हार्म या वैसा कुछ वीडियो या किसी कम्युनिटी को हार्म कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी थ्रेटनिंग वाला कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी अपने चैनल में किसी दूसरे चैनल की प्रमोशन भी कर रहे हैं तो ऐसे वीडियोस को भी अगर यूट्यूब ऐसे वीडियोस को भी यूट्यूब डिसअलाउ करता है। कंटेंट जो हो वैसा ही हमें टाइटल देना है, उतने ही टैग्स यूज करने हैं, टैग्स अनलिमिटेड टैग्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर आपने उल्टा सीधा कंटेंट कुछ और डाला है, टैग्स कुछ और डाल रहे हो, टाइटल कुछ और डाल रहे हो, तब भी आपका वीडियो अप्रूव नहीं हो पाएगा। अगर आपका वीडियो अगर आपके वीडियो में थंबनेल जो आप यूज कर रहे हो उस पर कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वीडियो किसी और चीज का है, इन केसेस में भी आपका वीडियो अप्रूव नहीं हो पाएगा। कॉपीराइट कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डोंट क्रिएट मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन टैग्स टाइटल्स और थंबनेल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज व्यूज, बिल्कुल व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी उल्टे सीधे काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो है वीडियो में जो है तो सो है, वैसे ही कंटेंट है, वैसे ही टाइटल होना चाहिए, उतने ही टैग्स होने चाहिए, टैग्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके सो इन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है while making our videos and while posting your YouTube videos, okay, posting your videos on YouTube. So, ये सारे conditions हैं, okay? I hope यह video आपके लिए बहुत helpful होगा. Thanks.